ताकि डायग्राम क्लियर हो जाए ना सबन दोनों, है ना। विल डू द सर्कुलेटरी सिस्टम्स सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज दैट वी हैव डन द हार्ट एंड ब्लड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अदरवाइज वी इट इज फॉर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। द हार्ट इज इंपॉर्टेंट लाइक इन फिशिज देयर इज टू चैम्बर्ड हार्ट, इन एम्फीबियंस इट इज ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट, इट इज ऑल्सो इन योर सिलेबस इन बी पेपर एवोल्यूशन चैप्टर एवोल्यूशन ऑफ। When we do the evolution, then we do the evolution of the heart. दे विच टू चैम्बर्ड हार्ट, दैन थ्री चैम्बर्ड हार्ट, दैन पार्शली फोर चैम्बर्ड हार्ट, दैन फोर चैम्बर हार्ट। क्लियर है ना। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू प्लस इट्स फंक्शनिंग इज ऑल टूगेदर डिफरेंट बिकॉज अर्लियर फिशिज दे लिव इन वाटर, now the amphibian they switch over to the land animal also, so there is a transitional change from land to from water to land। so jadon pani to dharti te aayega te ode naal naal sariyan transitional changes vi to hon gaya na, that animals must be adapted to the land life also। और लैंड लाइफ से जो उन्होंने अडेप्ट करना दैट मीन्स देयर आर सम एक्सटर्नल चेंजेस एज वेल एज इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स चेंजेस आल्सो। नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यस्टरडे वी हैव आल्सो डन द कंबाइंड ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम। नाउ फर्स्ट वी विल डू द आर्टीरियल सिस्टम एंड देन द वीनस सिस्टम। नाउ व्हाट इज द आर्टीरियल सिस्टम? आर्टीरियल दैट इज रिलेटेड विद द आर्टरीज, एज इट्स नेम इंडिकेट इट इज रिलेटेड विद द आर्टरीज। आर्टरीज मीन्स हु कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। आर्टरीज द डेफिनेशन इज to carry the blood from heart to the various organs. Majority of arteries, all the arteries, they carries the oxygenated blood from heart to the various organs to give the oxygen to the different tissues, that is internal रेस्पीरेशन। उसके बाद होएगी किस तरह सेल दे विच ऑक्सीजन जाएगी, दैन दैट ऑक्सीजन इन द सेल डू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय दीज वेन्स। सो डेफिनेशन ऑफ वेन इज टू कैरीज द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, एक्सेप्ट all these carries the deoxygenated blood or arteries they carries the oxygenated blood except pulmonary artery। pata lag gaya na artery de definition ki hai, jehdi heart to blood organs oh vi te leke jandi hai na lungs de vich deoxygenated, so except the pulmonary artery all the arteries carries the oxygenated blood। now start with the it is the structure of the heart, this is auricle, this is auricle, or this is ventricle, this is truncus arteriosus, and sinus venosus is on opposite side, sinus venosus in on anterior that side pre ventral side। now start with this part here, truncus arteriosus। we have seen from the truncus arteriosus there arises three arteries, 1 2 and 3, yaad hai unna de naam,
वन इज द पल्मोनरी एथो ट्रंकस आर्टेरियोसिस चो आर्टिकल ऑरिकुलर चो ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स इन दिस साइड लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड द ब्लड कम्स फ्रॉम दिस पल्मोनरी कौन लेके आएगी पल्मोनरी आर्टरी अपा हूँ नहीं बोल लिया ना पल्मोनरी आर्टरी की करेगी साफ खून ए लेके आएगी नाउ दैट इज गोन इन टू द वेंट्रिकल फ्रॉम द वेंट्रिकल दिस ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंटर इन टू द ट्रंकस आर्टीरियोसिस फ्रॉम द ट्रंकस आर्टीरियोसिस वी हैव डन द स्ट्रक्चर इन के इन हार्ट ट्रंकस आर्टीरियोसिस द स्ट्रक्चर पढ़िया सी ना आप इट इज लाइक दिस थ्री आर्टरीज हु कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ते फर्स्ट इज नाउ द वन ब्लड दैट इज टेकन बाय दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि एदे विच एक साइड च डी ऑक्सीजनेटेड आना एक साइड ते ऑक्सीजनेटेड आना इधरों डी ऑक्सीजनेटेड पहला आएगा दैट इज enter into the truncus arteriosus from truncus arteriosus it enter into the this pulmocutaneous arc for the oxygenation ye ek circle ho gaya kede wala from truncus arteriosus that blood enter into the lungs for the oxygenation by the pulmocutaneous artery आर्टरी है ना हु कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स क्लियर है ना नाउ हेयर इट इज कॉल्ड द पल्मोकुटेनियस बिकॉज वी नो इन फ्रॉग देयर इज ए कुटेनियस रेस्पिरेशन आल्सो सो इट इज कॉल्ड द पल्मोकुटेनियस दिस इज क्लियर टू पल्मोकुटेनियस वन फ्रॉम राइट साइड लेफ्ट साइड अनदर फ्रॉम द राइट साइड एक इधर नू जाएगी एक इधर नू जाएगी वी हैव सीन देयर आर टू ट्रंकस आर्टेरियोसिस दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नाउ सेकेंडली देयर अराइजेस वन अनदर एवली एक तो आ गई ना पल्मोकुटेनियस देन इज द कैरियोटिड आर्क दिस कैरियोटिड आर्क which is also arise from the truncus arteriosus on both the sides इधर भी है truncus arteriosus इधर भी है truncus इधर भी है carotid artery इधर भी है इन्हें दोनों का नाम की है carotid artery that carries blood to the head portion कड़े वाले पासे सिर वाले पासे नू लेके जान गया ऐ देखो एदे विच लिखे दा लिंगुअल और एक्सटर्नल कैरियोटिड लिंगुअल और एक्सटर्नल कैरियोटिड लिंगुअल इज टूवर्ड द टंग जीव वाले पासे ठीक है केड़े वाली एक्सटर्नल कैरियोटिड दूसरे पासे इंटरनल कैरियोटिड लिख लो इनू वो एक्सटर्नल कैरियोटिड है ना दैट इज इंटरनल कैरियोटिड Now this internal carotid that is again divided into cerebral, palatine and ophthalmic. As its name indicate, first is cerebral. Cerebral means that enter into the brain. Cerebral that enter into the which supplies to the brain. Secondly, palatine. This is palatine on the upper jaw. बकल कैविटी दे विच अपर जा दैट इज कॉल्ड द पैलेटाइन ठीक है दैन इज द ऑप्थैल्मिक दैट इज रिलेटेड विद द आई इट सप्लाइज टू द आई बिकॉज इट गोज हैड टूवर्ड द हैड पोर्शन इस करके इतों जाके इधर भी चले जाना है तो इधर भी जाना सो इट सप्लाइज द दिस पोर्शन आल्स ऑल दीज portions which is above the head neck
above the neck portion that is supplied by the carotid, and that is a most important part of our body. We must nourish this part because दिमाग इत्थे ही आ ना जिन्हें सारा कुछ सोचना समझना शरीर दे वास्ते बिलो द नैक इज आलसो रिक्वायर्ड नरिशमेंट बट अबव द नैक दैट इज आलसो रिक्वायर्ड द नरिशमेंट दैट इज गिवन बाय दीज हैव यू अंडरस्टैंड दिस नैक्सट इज थर्ड वन जिस तरह आप देखे फर्स्ट सैकेंड कैरियोटिड थर्ड इज सिस्टमिक दिस सिस्टमिक इधर भी होंगी है इधर भी दो हो गई ना वन इज टूवर्ड द लैफ्ट एंड अनदर इज टूवर्ड द राइट नाउ दिस सिस्टमिक एवली सिस्टमिक आर्क दिस मूव्स डाउनवर्ड ठीक है इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर कैरियोटिड ऊपर चली गई पल्मनरी नीचे नु इधर आ गई एंड थर्ड वन इज सिस्टमिक आर्क एक लंग्स नू एक उपर नू ते एक नीचे नू ठीक है सिस्टमिक आर्क दिस फ्रॉम दिस सिस्टमिक आर्क देयर अराइजेस दिस वन दिस सप्लाइज टू द दिस पोर्शन ठीक है सबक्लेवियन वगैरह ब्रेंकियल सबक्लेवियन इधर नू आ जाएगी ना देख इधर सबक्लेवियन प्लस ब्रेंकियल साइड आफ्टर मूविंग दिस ए देखो दोनों साइड्स दी सिस्टमिक एक इधरों मूव करके आ रही है वन इज मूविंग ए देखो सबक्लेवियन लिखा था ये विच दिस सप्लाइज टू द इधर भी है ना सब सिस्टमिक आर्क इधर भी है सिस्टमिक आर्क दोनों साइड वाला है ये विच ए देखो ऑसिपिटल वर्टिब्रा ओसीपिटल वर्टिब्रा कितने आ गए ओसीपिटल कोंडाई ए वाला पोर्शन स्कल दा नीचे वाला जिथे स्कल खत्म होती है और वर्टिब्रा जॉइन कर दिया है जड़ा लास्ट वाला पोर्शन है ना दैट इज कॉल्ड इट्स ओसीपिटल कोंडाई समझ आ गया मान लो ए खोपड़ी है खोपड़ी दे ए वाला पोर्शन की आ गया ओसीपिटल कोंडाइल जिदे नाल पहला वाला वर्टिब्रा अटैच होएगा ताई साड़ी गर्दन एटलस बोन की कहने हैं यस और नो बोन कहने हैं ना यस नो यस और नो वर्टिब्रा केड़े वाला पहले वाला ठीक है ए उन्होंने सप्लाई करेगी ओसीपिटल कोंडाइल नू दैन ओसीपिटल वर्टिब्रा मीनस वो जस्ट नीचे वाला वर्टिब्रा दैट सप्लाइज दैन वर्टिब्रल ए सारे सैरीब्रल जड़े गर्दन दे विच है सर्वाइकल दी दर्द होंगी है ना लोगों नू उदे करके ही होंगी है वर्टिब्रा तो उन्होंने सप्लाई करेगी जड़ी इत्थे लिखी दी है वर्टिब्रल दैन इज ईसोफेगस ईसोफेगल नाम तो ही पता लगन डा किनू करेगी ईसोफेगस नू जड़ी गर्दन च हुंदी आ ते उस दे बाद आ गई सबक्लेवियन जड़ी बाह नू जाएगी क्लियर है सारे पार्ट्स समझी जाने हैं देन इज और मैं उस दिन भी दस्या सी कि दीज ऑल आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स एंड सप्लाइज टू द सेम पार्ट्स कईयां जिस तो ज़्यादा हो सकदियां कईयां जिस तो थोड़िया घट हो सकदियां पर बेसिकली जड़ियां चीज़ां वा ओ एहो ही है ठीक है नैक्सट आफ्टर मूविंग दिस दे जॉइन जस्ट बिलो द फेरिंग्स इन द एबडोमिनल पोर्शन दे जॉइन विद ईच अदर फ्रॉम देयर देयर अराइजेज दिस इनू की कहने सिलियक मिजेंट्री की कहने एंटीरियर सिलियक मिजेंट्री क्लियर हूँ देखो इट अराइजेज फ्रॉम दिस साइड एंड वन जस्ट आफ्टर अराइजिंग इट इज बायफरकेटेड into two
ध्यान नाल समझ जाओ, इट इज़ बाइफरकेटेड इनटू टू एंड अगेन अपर ब्रांच अगेन बाइफरकेटेड इनटू टू एंड देन इट अगेन एंटर इनटू द लिवर डिवाइडेड इनटू टू, सो इट बिकम द की बन जाएगी लिवर सेंटर करेगी तो इट इज़ कॉल्ड हिपेटिक, क्लियर है, इट सप्लाइज टू द लिवर, देन इट एंटर इनटू द स्टमक, इट इज़ कॉल्ड द गैस्ट्रिक, आफ्टर ए स्टमक आ गया ना गैस्ट्रिक, क्लियर है, आफ्टर दिस देयर इज ड्यूडेनल, ड्यूडेनल मीन्स जड़ी लोअर बाइफरकेटेड है, ड्यूडेनल मीन्स ड्यूडेनम, पेंक्रियाटिक मीन्स सप्लाइज टू पेंक्रिया, इंटेस्टाइनल मीन्स विच सप्लाइज टू इंटेस्टाइन, और दिस स्प्लीन और दिस इज कॉल्ड स्प्लीनिक, स्प्लीनिक आर्टरी, कोई मान लो लेबलिंग नहीं भी है तो जड़ी मैं एक्स्ट्रा कीती है चो देख लेना है ना, स्प्लीनिक सप्लाइज टू द स्प्लीन, नेक्स्ट इज रेक्टम, समझ आ गई सारियां दिया, दिस सप्लाइज दिस सिलियक आर्टरी, दिस सप्लाइज टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, हेयर आल्सो इट सप्लाइज टू द इसोफेगस, हेयर आल्सो यह तो सारी दी सारी सिलियक किनू सप्लाई करती है, सानू सिलियक आर्टरी बारे आ जाए तो मीनस दैट सप्लाइज टू एलिमेंट्री केनाल ओनली, आफ्टर दिस देयर इज टू टेस्टिस, जड़ी टेस्टिस नू करेगी दैट इज कॉल्ड द जेनिटल, और यह जड़ी दोनों सिस्टमिक आर्क है जो कट्ठिया मिल जाएगी दिस इज कॉल्ड डोरसल एओर्टा, की कहने नू डोरसल एओर्टा, फ्रॉम दिस डोरसल एओर्टा देयर अराइजेज दिस सिलियक आर्टरी, क्लियर है, फ्रॉम हेयर देयर अराइजेज द सिलियक आर्टरी, क्लियर, कितों किधे तो अराइज कर दी है, फ्रॉम विच डोरसल एओर्टा, जड़ी नीचे नू जाएगी सारी ओदे तो सिलियक आर्टरी, देन दिस इज टेस्टिस जेनिटल आर्टरी, टेस्टिस तो दो एक इधर ते एक इधर दो निकलनगियां दैट इज कॉल्ड दी जेनिटल वन, आफ्टर दैट किडनी विच सप्लाइज टू द किडनी दैट इज कॉल्ड द रीनल, रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, दिस इज रिटन एज ए लुम्बर, लुम्बर ए वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ए शाटिक हो गया, ए वाला ए सेरिब्रल, ए थोरेसिक, ए लुम्बर, ए सैक्रल, ते ए कोक्सीजियल नीचे, जिन्हें चे तो टेल है उन्होंने तो पूरी टेल च हो गए, साढ़े टेल नहीं है ना, इस करके छोटी जी होंगे फ्यूज, एना दे विच विच लुम्बर, और दिस इज रीनल आर्टरी, क्लियर है इतों तक, इन्ना पोर्शन हो गया ना सारा, नाउ इट इज गोइंग टूवर्ड द डाउनवर्ड नीचे नू, हेयर अराइज द दिस दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंटीरियर पुस्टीरियर, दिस इज कॉल्ड पुस्टीरियर मेसेंट्री, आर्टरी तो है ही है तो कई बार इनू इंटीरियर भी कहने, ठीक है, ए पुस्टीरियर इन्हें सप्लाइज किनू किया, अगेन इट इज सप्लाइज टू द रेक्टम, इट इज कॉल्ड द रेक्टल, इन्हें लिखा था पुस्टीरियर मेसेंट्री, ए लिखी थी पुस्टीरियर मेसेंट्री, क्लियर है, पुस्टीरियर मेसेंट्री, देन इज द जस्ट बिलो द पुस्टीरियर मेसेंट्री देयर आर प्रेजेंट ए वाला पोर्शन आ गया, हुन ए पोर्शन भी हो गया जिन्हें कितने गई रेक्टम, हुन नेक्स्ट आ गया ए वाला पोर्शन सारा, दिस इज दिस पोर्शन, ठीक है, एपीगैस्ट्रिक रेक्टोवैसिकुलर, ए किनू करेगी एपीगैस्ट्रिक, जड़ी स्टमक वाले पासे चली जाएगी
रैक्टम रैक्टल नू ते वैसिकल जड़ी रैक्टल नू सप्लाई करेगी ते नाउ वैसिकुलर जड़ी क्लोइका साइड जाएगी रैक्टम तो नीचे क्लोइका आ जाना ना एंड सर्कुलर नाउ हियर इज दिस इज द ए आ जाएगी जड़ी सप्लाईज करेगी एपिगैस्ट्रिक जड़ी सप्लाईज करेगी फिमोरल फिमोरल की आ गई ए वाली फीमर है ना ठीक है शाटिका जड़ी अंदर नू चली जाएगी इतो दो बाइफरकेट करनियां एक लत नू ते एक इधरले अंदरले पासे दैट इज कॉल्ड द शाटिका नेक्स्ट इज टिबियो टिबिया टिबिया पैर दियां उंगलियां नू आ गई दैन इज प्री की लिखे द प्री ओरल मीन्स नीचे वाले पोर्शन नू टिप्स दे और सारे पोर्शन नू सप्लाई करेगी ए क्लियर है सारा हुम दे आर सप्लाईज नेक्स्ट इज दिस इज ऑल अबाउट आर्टीरियल सिस्टम एनीथिंग डू यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन विच इज नॉट क्लियर टू यू नाउ हुम आर्टीरियल सिस्टम सप्लाईज दैट इज कलेक्टेड बाय द वेन्स सो दे फॉर्म द वेनस सिस्टम One thing is important, you must learn that there are three main veins which collect the blood from the various organs. What is their names? Two are pre-cavals and one is post-caval. In this, these two pre-cavals and post-caval, they open into the sinus venosus earlier, but in when the auricle and ventricles are increases sinus venosus degenerate and directly they open into the heart pre cavals and post cavals samajh aa gaya ech te oh kide ch khulda pehla vena cava ch te vena cava kide ch kardi hai ode ch kardi hai auricle de vich kholdi hai ki kardi hai deoxygenated blood udharle passe but As we go to higher order, there is independent opening of the pre-cavals and post-caval because there is degeneration of the vena cava. Now start with the this animal. There is, dekho, pre-cavals, two pre-cavals. These are two pre-cavals. Have you seen two pre-cavals? केवल्स इतों कौन कलैक्ट करके लियाएगा प्री केवल्स कितों लिया हूम द करियोटिड आर्टरी सप्लाईज जिन्हों करियोटिड सप्लाई करेगी उतों है कलैक्ट करके लिया क्योंकि वह हैड रीजन सप्लाई कर दी है ना तो उतों कलैक्ट करके लिया नाउ दिस प्री केवल्स दे कलैक्टिड ब्लड फ्रॉम द मैंडिबुलर मैंडिबुलर की हो गया ए पोर्शन क्लियर है लिंगुअल टंग वाला लोअर पोर्शन हेयर यू कैन सी एथो प्री केवल्स फर्स्ट इट बिकम इंटरनल जुगलर और इट दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल जुगलर एक्सटर्नल जुगलर वो सारे जिस तरह यह लिखा था लिंगुअल तो एक्सटर्नल करियोटिड जितों जितों एक्सटर्नल करियोटिड लियाएगी उतों उतों सॉरी जितों इंटरनल सेरिब्रल पैलेटाइन ओपेथैलमिक उन्होंने सारिया जगह तो कड़ी लैके आएगी एक्सटर्नल जुगलर तो इंटरनल जुगलर और जो देखो सब स्कैपुला की आ गया एवला पोर्शन स्कैपुला कड़ा आ गया ए वाला पोर्शन इतने प्रेजेंट होंगे स्कैपुला वगैरह ठीक है स्कैपुला ए की सब क्लेवियन मीनस ए वाला सब क्लेवियन ए आ गई ना क्लेविकल बोन सब क्लेवियन दैन इज ब्रिंकियल ए वाले पोर्शन आ गया
ब्रेंकियल, मस्कोकुटेनियस. मस्कोकुटेनियस मीन्स जड़ी मसल्स तो ते स्किन तो लैके आएगी मस्कोकुटेनियस. नाउ दिस ऑल क्लियर टू एवरीवन. आफ्टर दैट दे ओपन इनटू दिस साइड वीना केविया, वीना केवा टू द लेफ्ट साइड. हाँ जी, इतों तक पता लग गया दोनों ये खुलनगिया कि वीना केवा दे विच फ्रॉम द लोअर साइड जिथे पैरलर टू द डॉर्सल आयोटा देर इज ए पोस्ट केवल. हैव यू सीन दिस पोस्ट केवल? ए लिखी दी, दिस इज टोटल पोस्ट केवल पैरलर टू द डॉर्सल आयोटा विच कैरीज ब्लड द हूम दिस डॉर्सल आयोटा सप्लाइज. जिस तरह ए देखो ऑन द लोअर साइड शैटिक फिमोरल, शैटिक ते फिमोरल पता लग गया ना. शैटिक फिमोरल इधरों, शैटिक इंटरनली दे फर्स्ट फ्रॉम हेयर वैसीकुलर ए देखो सारिया, दैन इज एपीगैस्ट्रिक मतलब स्टमक दे नीचे वाला पोर्शन, और दे ओपन इनटू द इनू देखो जेनिटल. जेनिटल मीन्स विच सब टेकिंग ब्लड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और सारी क्लियर हो रही हैं. देयर इज आल्सो प्रेजेंट इंटीरियर अबडोमिनल, इंटीरियर अबडोमिनल देखो दिस गोज टू द लोअर पोर्शन. नाउ सी हियर जड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये विच एवली है कि तुस देखो एलिमेंट्री के नाल ते डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह ड्यूडिनल ड्यूडिनो पेंक्रियाटिक है, इंटेस्टाइनल है, स्प्लीनिक है, रेक्टल है, ये सारिया दे आर कलेक्टेड गैस्ट्रिक स्टमक तो दे आर कलेक्टेड इनटू द हेयर और दिस इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल. की कहने हैं नू हिपैटिक पोर्टल विच ओपन सारिया जगह तो इकट्ठा करके खून कितने लिएगी इस जगह पर. Then it enter into the liver. From the liver there arises the hepatic. A liver ch enter kargi na hepatic portal. A hepatic portal liver ch liver to fir kedi niklegi hepatic. That is open into post caval. That is open into post केवल. इस तरह ही इधरों इकट्ठा करके जो खून लिया दे ओपन इनटू किडनी. दैट इज ओपन इनटू किडनी उन्हों की कहने आप दैट इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल. रीनल पोर्टल दिस रीनल पोर्टल अगेन ओपन इनटू पोस्ट केवल जिन्हों की कहेंगे आप फिर रीनल आर्टरी सॉरी रीनल वेन. ये दो सानू सिस्टम्स मिलते हैं केड़े केड़े रीनल पोर्टल एज वेल एज हिपैटिक पोर्टल्स. रीनल पोर्टल फ्रॉम द लोअर पोर्शन ओपन इनटू द किडनी फॉर द एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर फ्रॉम इट. दैन दे ओपन इन टू द पोस्ट केवल वो डायरेक्टली खुल जाती है कि पोस्ट केवल दे विच एक सारे जिन्हें भी एलीमेंट्री कैनाल है वो हिपैटिक पोर्टल दैट फस्ट ओपन इन टू लिवर ताकि वह खाना जोड़ा वै वे कि हो जाए स्टोर हो जाए. And then from liver they open into post caval and this post caval again open into sinus
विनोसिस दो प्रोपरी केवल्स ते एक साइनस विनोसिस सॉरी पोस्ट केवल दे ओपन इनटू साइनस विनोसिस ते साइनस विनोसिस कित्थे खुलदा जाके एदे विच दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वन इज मोर फ्रॉम हेयर दिस ब्लड दैट इज कैरिड बाय फ्रॉम द पल्मनरी साफ खून भी तो आना ना हार्ट च दैट इज कैरिड बाय द पल्मनरी की होएगा यदा नाम पल्मो कुटेनियस वट इज इट्स नेम पल्मोकुटेनियस आर्टरी दस्या नहीं मैं तुहानू हुणे कि सॉरी पल्मोकुटेनियस वेन पल्मोकुटेनियस वेन पल्मोकुटेनियस वेन विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड अदर कैरी द डीऑक्सीजनेटेड बट इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है क्लियर है दैट इज नॉट ए आर्टरी दैट इज ए वेन कोई क्वेश्चन पूछना है चलो ठीक है फिर